अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अरसलान रशीद, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, फैसलाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिफॉर्मेट्सकाई रिएक्शन। सबसे पहले हम रिफॉर्मेट्सकाई रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, रिफॉर्मेट्सकाई रिएक्शन ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें तीन कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तीन कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट कार्बोनल कंपाउंड होता है, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। दूसरा कंपोनेंट अल्फा हेलोएस्टर होता है, और इस रिएक्शन का जो थर्ड कंपोनेंट है, दैट इज मेटैलिक जिंक। जब कार्बोनल कंपाउंड और अल्फा हेलोएस्टर मेटैलिक जिंक की मौजूदगी में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनके रिएक्शन के नतीजे में जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इस ओवरऑल रिएक्शन को रिफॉर्मेट्सकाई रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन को सबसे पहले सर्गेय निकोलाइविच रिफॉर्मेट्सकाई ने डिस्कवर किया था। इस रिएक्शन में हम जो सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करते हैं, दीज आर एनहाइड्रस ईथर और मिक्सचर ऑफ ईथर एंड बेंजीन और बेंजीन अलोन। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आप रिफॉर्मेट्सकाई रिएक्शन की जनरल रिएक्शन स्कीम देख सकते हैं। यू कैन सी हेयर कि जब कार्बोनल कंपाउंड अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ जिंक की मौजूदगी में रिएक्ट करता है, तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये एस्टर ग्रुप है, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, और उसके साथ वाली कार्बन जो है, दैट इज बीटा कार्बन। यू कैन सी हेयर कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बीटा कार्बन पे लगा हुआ है, और इसलिए इस ओवरऑल प्रोडक्ट का नाम जो है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। यानी जब कार्बोनल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। स्टूडेंट्स, अब हम रिफॉर्मेट्सकाई रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जब हम अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो मैग्नीशियम मेटल जो है अल्काइल हैलाइड में ऐड हो जाती है, और इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक पार्ट है, और ये ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो हैलाइड ग्रुप के साथ लगा हुआ है। जब हम अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो मैग्नीशियम जो है वो ऑर्गेनिक पार्ट और हैलाइड के दरमियान ऐड हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो अल्काइल और हैलाइड के दरमियान ऐड हो चुकी है, और इससे जो प्रोडक्ट बन रही है, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। सिमिलरली, जब हम अल्फा ब्रोमो एस्टर का जिंक से रिएक्शन करवाते हैं, तो जिंक मेटल जो है वो अल्फा ब्रोमो एस्टर में ऐड हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो जिंक है वो ऑर्गेनिक पार्ट और ब्रोमाइड के दरमियान ऐड हो चुकी है, और इससे ये इंटरमीडिएट बनता है। बेसिकली ये मॉलिक्यूल जो है अल्फा ब्रोमो एस्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप की एसिडिक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो इससे जो कार्बोक्सिल ग्रुप का डेरिवेटिव बनता है, दैट इज एस्टर। एस्टर में ये वाली कार्बोनल कार्बन है, कार्बोनल कार्बन के साथ वाली कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस अल्फा कार्बन के साथ ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम अल्फा ब्रोमो एस्टर है। अल्फा ब्रोमो एस्टर में इतना जो पार्ट है ये ऑर्गेनिक पार्ट है, और ये वाला ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो ब्रोमाइड ग्रुप के साथ लगा हुआ है। जब हम इस अल्फा ब्रोमो एस्टर का जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिंक मेटल जो है
वो ऑर्गेनिक पार्ट और ब्रोमाइड के दरमियान ऐड हो गई है और इससे ये इंटरमीडिएट बन रहा है। जिंक क्योंकि मेटल है और मेटल जो है आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज करते हैं, तो इसलिए जो जिंक होगी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और जिंक मेटल जो है जिस कार्बन के साथ, जिस अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है और जिंक जो है वो मेटल है। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स के मुकाबले में हायर होती है, तो यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जिंक के मुकाबले में हायर है, इसलिए कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और जिंक पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जब हम इस इंटरमीडिएट का कार्बोनल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस इंटरमीडिएट की पार्शियली नेगेटिवली चार्ज अल्फा कार्बन इस कार्बोनल कंपाउंड की पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनल कार्बन पर अटैक करती है, जिससे इस इंटरमीडिएट की अल्फा कार्बन और कार्बोनल कंपाउंड की कार्बोनल कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। इस अल्फा कार्बन का कार्बोनल कार्बन पे अटैक के नतीजे में इस कार्बोनल कार्बन और कार्बोनल ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और इस ऑक्सीजन पे फुल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जिंक ब्रोमाइड जो है वो अल्फा कार्बन से अपना लिंक ब्रेक करके इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस इंटरमीडिएट की अल्फा कार्बन और कार्बोनल कंपाउंड की कार्बोनल कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन चुका है और जिंक ब्रोमाइड जो है वो इस अल्फा कार्बन से ब्रेक होके इस कार्बोनल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया है, जिससे ये सेकंड इंटरमीडिएट बन रहा है। जब हम इस सेकंड इंटरमीडिएट की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, इस सेकंड इंटरमीडिएट की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से मुराद है कि हमने इस इंटरमीडिएट का वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रोसेस के दौरान जिंक ब्रोमाइड जो है वो पानी से हाइड्रोक्सल आयन ले लेता है, जिससे ZnOHBr बन जाता है और पानी का जो हाइड्रोजन आयन है वो इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, जिससे ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इस रिएक्शन से जो ओवरऑल प्रोडक्ट आ रही है दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप में कार्बोनल कार्बन के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन है और उसके साथ वाली कार्बन जो है दैट इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स वाई इस कंपाउंड को हम बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कहते हैं। यहां पर आप ओवरऑल देख सकते हैं कि इस एस्टर की अल्फा कार्बन और कार्बोनल कंपाउंड की कार्बोनल कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक कर जाएंगी और इस कार्बोनल ऑक्सीजन के साथ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हाइड्रोजन आयन लग जाएगा, जिससे ये वाली जो ऑक्सीजन है वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्लाइड में आप रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन की टू एग्जांपल्स देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में जब हम साइक्लोहेक्सानोन का 2-ब्रोमो इथाइल एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो 2-ब्रोमो इथाइल एसीटेट की ये वाली अल्फा कार्बन साइक्लोहेक्सानोन की कार्बोनल कार्बन के साथ लिंक कर जाती है और इस प्रोसेस के दौरान साइक्लोहेक्सानोन की कार्बोनल ऑक्सीजन हाइड्रोनियम आयन से एच पॉजिटिव आयन गेन करके OH में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कार्बन है ये बेसिकली 2-ब्रोमो इथाइल एसीटेट की ये अल्फा कार्बन है और जो साइक्लोहेक्सानोन की कार्बोनल कार्बन के साथ लिंक कर रही है और साइक्लोहेक्सानोन की कार्बोनल ऑक्सीजन हाइड्रोनियम आयन से एच पॉजिटिव आयन गेन करके OH में कन्वर्ट हो रही है और इससे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रही है दैट इज बेसिकली 2-हाइड्रोक्सी एस्टर। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप की कार्बोनल कार्बन है, इस कार्बोनल कार्बन के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके साथ वाली ये वाली कार्बन जो है दैट इज बीटा कार्बन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्योंकि बीटा कार्बन पे लगा हुआ है इसलिए ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जब हम बेंजल्डिहाइड का 2-ब्रोमो इथाइल एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक,
तो 2-ब्रोमो इथाइल एसीटेट की ये वाली अल्फा कार्बन बेंजल्डिहाइड की इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ लिंक कर जाती है। ये बेसिकली ये वाली जो कार्बन है ये 2-ब्रोमो इथाइल एसीटेट की अल्फा कार्बन है और ये बेंजल्डिहाइड की कार्बोनाइल कार्बन के साथ लिंक कर गई है। और बेंजल्डिहाइड की कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोनियम आयन से एच पॉजिटिव आयन गेन करके OH में कन्वर्ट हो गई है। और इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है दैट इज बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर।